वेलकम बैक इन दिस वीडियो। 1353 अपग्रेड हाई स्कूल के शिक्षकों को अब समय पर मिल पाएगा वेतन। शिक्षकों के पद को गैर योजनाबद्ध में किया गया स्थानांतरित। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। 1353 अपग्रेड हाई स्कूल के शिक्षकों को अब समय पर वेतन मिल पाएगा। शिक्षकों के पद को गैर योजना मद में किया गया स्थानांतरित। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। राज्य के 1353 अपग्रेड हाई स्कूल के शिक्षकों को अब वेतन मिलने में विलंब नहीं होगा। शिक्षकों को अब समय पर वेतन मिल पाएगा, इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य के लगभग 1353 अपग्रेड हाई स्कूल के शिक्षकों को अब वेतन संबंधी समस्या नहीं होगी, उन्हें समय पर वेतन मिल पाएगा। शिक्षकों को अब समय पर वेतन मिल पाएगा, इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। विद्यालय के शिक्षकों के पद को अब योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया गया है। जी दोस्तों, यहाँ यह बात द्रष्टव्य है कि विद्यालय के शिक्षकों का पद को अब योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया गया है। शिक्षकों का पद योजना मद में होने से वेतन के लिए राशि आवंटन की प्रक्रिया में काफ़ी विलंब होता था, इस कारण शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। शिक्षकों के पद को अब योजना मद से है, शिक्षकों का पद योजना मद में होने से वेतन के लिए राशि आवंटन की प्रक्रिया में काफ़ी विलंब होता था, इस कारण शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे शिक्षक संगठन। जी दोस्तों, राज्य के शिक्षक संगठन काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। इन विद्यालयों में वर्तमान में 8171 शिक्षक कार्यरत हैं। ये विद्यालय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 के बीच मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में अपग्रेड हुए थे। वर्ष 2006-07 में 9 विद्यालयों का हाईस्कूल में अपग्रेड किया गया था। इन विद्यालयों में प्रति विद्यालय 14 पद सृजित किए गए थे। इसके बाद उत्क्रमित विद्यालय में प्रति विद्यालय 15 पद सृजित किए गए हैं। 9 उत्क्रमित विद्यालय में वर्ष 2015 से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जेएसएससी को 17,784 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई थी। विद्यालय में अपग्रेड हुए थे वर्ष 2006-07 में 9 विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इन विद्यालयों में प्रति विद्यालय 14 पद सृजित किए गए थे। इसके अलावा उत्क्रमित विद्यालयों में प्रति विद्यालय 15 पद सृजित किए गए हैं। 9 उत्क्रमित विद्यालय में 2015 से ही जो है शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है चल रही है। जेएसएससी को 17,784 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भी भेजी गई थी। इनमें से 9,961 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से वर्तमान में 8,171 शिक्षक कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में 8,171 शिक्षक कार्यरत हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसके लिए आभार जताया है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के लिए निर्णय का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पद योजना मद में होने से शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। संघ ने इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट कराया था, आभार जताया है। संघ के प्रदेश महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पद योजना मद में होने से शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिलता था और विभाग पदाधिकारियों का ध्यान भी इस ओर उन्होंने आकृष्ट कराया था। तो यह था बिग अपडेट इस वीडियो में कि 1353 अपग्रेड हाई स्कूल के शिक्षकों को अब समय पर मिल पाएगा वेतन। शिक्षकों के पद को गैर योजना मद में किया गया स्थानांतरित। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।